स्वाइन फ्लू एवं मौसमी बीमारियों के बचाव के लिए सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में जिला प्रशासन और अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ के संयुक्त सौजन्य से काढ़ा वितरण किया गया। काढ़ा वितरण का शुभारंभ जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा ने एक बालक को काढ़ा पिलाकर किया। जिला कलेक्टर ने कहा कि स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए जिले भर में पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। जगह जगह काढ़ा वितरण और प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर टेमोफिली की दवा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने सभी अधिकारी और कर्मचारियों से काढ़ा पीने का आग्रह किया। आज कलेक्ट्रेट में काढ़ा वितरण का कार्यक्रम आज कलेक्ट्रेट परिसर में ये स्वाइन फ्लू का काढ़ा पिलाने का ये स्टॉल लगाया गया है और सभी जितने भी कलेक्ट्रेट के कर्मचारी हैं उनको यह अवगत कराया गया है कि स्वाइन फ्लू का काढ़ा पी लें और इससे जो स्वाइन फ्लू के रोकथाम में जो है इम्यूनिटी बढ़ती है और इसके साथ साथ ये भी अवगत कराया गया है आयुर्वेद विभाग के साथ द्वारा कि जैसे रुमाल में ये कैम्फर जो होता है वो रखे और लौंग रखे और उसको समय समय पर सूंघते रहें तो स्वाइन फ्लू की जो वायरस है वो अपने आप मर जाएगा। इसके साथ साथ हमने ये भी प्लान किया है कि शिक्षा विभाग के माध्यम से ये काढ़ा जो है प्रत्येक ग्राम पंचायत और इस मतलब प्रत्येक गांव तक ये काढ़ा वितरण किया जाए क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ये स्वाइन फ्लू तेज़ी से फैल रहा है और जब तक ये लोगों में इसका वितरण ठीक से नहीं होगा तब तक ये रुकेगा नहीं और उम्मीद करता हूँ कि आयुर्वेद विभाग शिक्षा विभाग और हमारे जितनी भी कर्मचारी महासंघ हैं इनके सहयोग से ये स्वाइन फ्लू को हम अच्छे से हम वितरण कर पाएंगे लोगों तक पहुंचा पाएंगे और जो परेशानी हो रही है स्वाइन फ्लू का उसको हम प्रभावी ढंग से उसको रोक पाएंगे। खुशियों के ये पल आज है और है कल हम इस पल को जी ले कुछ खा पी ले पिज़्ज़ा पॉइंट कंगोर फॉर डिलीशियस मोमेंट्स। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।